Welcome back, ladies and gentlemen. This is Muhammad Waseem Khan. In this lecture, or in this part of the lecture, we will talk about the risk management process. Risk management process consists of four basic steps. Step one is to identify the risk. Step two is risk assessment. Step three is risk response development. And step four is risk response control. This whole process is an iterative or repeated repetitive process, because if we need to do some changes in the previous step, then we can go back toward that particular step after performing or doing different changes. We can go again to the next step. ये चार निहायत ही अहम step है. पहला step जो है वो risk identification है. In risk identification, we actually generate a list of different possible risks. बहुत सारे risks जो हैं उनकी हम एक list बनाते हैं, generate करते हैं. और ये risk identify हम किस तरह करते हैं? Through brainstorming, through problem identification या risk profiling की तरीके से जो है हम इनको identify करते हैं. इनमें कुछ risk ऐसे होते हैं जो कि minor होते हैं, जिनका कुछ ज्यादा impact जो है, negative effect जो है, वो impact जो है वो नहीं होता. और कुछ ऐसे risk होते हैं जो कि major और macro risk होते हैं, जिनका बड़ा अहम किरदार होता है. और उसको, क्योंकि वो जो है हमारे project की जो outcomes हैं उसको affect कर सकता है. तो usually जो minor risk होते हैं उनको जो है avoid किया जाता है, और जो major और macro risk होते हैं उनको consider किया जाता है. So this is all about the risk identification. But one common mistake that is made early in the risk identification process is to focus on objectives and not on the events that could produce consequences. For example, team members may identify failing to meet schedule as a major risk. What they need to focus on are the events that could cause this to happen. कि वो कौन सी events हैं कि जिसकी वजह से ये major risk जो है, जिसको हम कहते हैं failing to meet the schedule, वो किस वजह से होता है, किसकी वजह से जो है हमारा schedule को meet करना जो है हमारे लिए मुश्किल है. तो वो जो वजह है, वो जो cause है, उसको identify करना चाहिए. और अक्सर ये mistake होता है कि उस cause को identify नहीं किया जाता, ठीक है. और वो किस वजह से हो सकते हैं, वो इसके लिए हम एक और तरीका भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक फिश बोन डायग्राम्स की तरह जो है कुछ इस तरह की टूल्स भी हम यूज कर सकते हैं, जिसकी थ्रू जो है हम जो रूट कॉजेस हैं उसकी तरफ जा सकते हैं और उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और उन रूट कॉजेस को फिर आगे हम अगर इरेडिकेट करें, उसको खत्म करें, तो ये जो रिस्क है इसको हम खत्म कर सकते हैं. रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट रेस किया है कि मैक्रो रिस्क फर्स्ट देन स्पेसिफिक इवेंट्स. पहले मैक्रो रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, उसको कंसिडर किया जाता है, उसके बाद स्पेसिफिक इवेंट्स जो है उसकी तरफ जा सकते हैं. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, या ये जो फॉर्मेट है इसको हम कहते हैं रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. और ये जो रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है इसको हम इन करेस्पॉन्डेंस टू द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं. और इसी के थ्रू जो है हम इजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं रिस्क को,
और इन रिस्क को फिर आगे जो है हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं फ्रॉम अकरेंस. द सेकेंड स्टेप इज रिस्क असेसमेंट. जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए और जिन रिस्क को हमने स्टेप वन में आइडेंटिफाई करके उसका लिस्ट बनाया, उस उन रिस्क को फिर हमें एनालाइज करना होता है. उन रिस्क को हम एनालाइज करते हैं. उस रिस्क को हम इस तरह एनालाइज करते हैं कि ये जो रिस्क है, एक ये जो नंबर ऑफ रिस्क है, इसमें से कौन सा रिस्क ज्यादा खतरनाक है, किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ज्यादा हो सकती है, मतलब कौन सा रिस्क जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो हम फेस कर सकते हैं, और कौन सा रिस्क जो है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है या उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा हो सकता है. ठीक है, तो इसमें एक तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं. इसके लिए फिर हम रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं. इसके लिए हम FMEA, फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस भी हम यूज कर सकते हैं, एंड डिफरेंट प्रोबेबिलिटी एनालिसिस में एक हमारे पास है डिसीजन ट्रीज. डिसीजन ट्री यूज करते हैं, एक डिसीजन ट्री हम यूज करते हैं, और उसमें हम फिर प्रोबेबिलिटीज के बेस पे जो है डिफरेंट टास्क और सब टास्क जो है उनके उनकी एनालिसिस करते हैं. और एक है PERT, जिसको हम प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स कहते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है. CPM और PERT को हमने पढ़ा है, तो उस PERT में भी हम प्रोबेबिलिटी एनालिसिस जो है उसकी थ्रू हम कर सकते हैं. तो चले आते हैं, कुछ टूल्स को हम डिस्कस करते हैं. रिस्क असेसमेंट में हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये इसको हम कहते हैं एक सिनारियो एनालिसिस. और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये डिफरेंट मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, स्केड्यूल और शेड्यूल, बजट, क्वालिटी मैनेजमेंट, वर्क एनवायरमेंट, स्टाफिंग, कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स. और हर एक से रिलेटेड फिर एक या दो क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं. और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये यूजुअली हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे या एक्सपीरियंस के बेस पे सेट किए जाते हैं, और ये इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना होता है. तो ये एक हमारे पास टेक्निक है. ये अगर आप देखें तो हमारे पास एक और टेक्निक है. इसका टाइटल अगर आप देखें तो डिफाइन कंडीशंस फॉर इंपैक्ट स्केल्स ऑफ ए रिस्क ऑन मेजर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स. हमने इसके लिए रिस्क के लिए कुछ इंपैक्ट स्केल्स जो हैं वो बनाए होते हैं. अगर इस फिगर 7.5 को आप देखें तो ये प्रोजेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कॉस्ट, टाइम, स्कोप, क्वालिटी. और अगर आप इसकी असेसमेंट करते हैं तो उसके लिए हमने फिर एक स्केल बनाया हुआ है. ये एक स्केल सिर्फ इस केस में 5 पॉइंट स्केल बना हुआ है. इसके लिए हम कुछ 7 पॉइंट स्केल या कोई दूसरा स्केल भी यूज कर सकते हैं. दैट स्केल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट और द प्रॉब्लम्स और रिस्क दैट वी कैन सी इन द नियर फ्यूचर. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वन स्टैंड्स फॉर और वन रिप्रेजेंट वेरी लो, टू रिप्रेजेंट लो, थ्री रिप्रेजेंट मॉडरेट इम्पैक्ट, फोर रिप्रेजेंट हाई इम्पैक्ट एंड फाइव रिप्रेजेंट वेरी हाई इम्पैक्ट. तो अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी रिस्क की वजह से, फॉर एग्जाम्पल हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये एक रिस्क है और इसकी वजह से कॉस्ट कितना, कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर हम 5 जो है वो हमें मिल जाता है, तो 5 स्केल पे अगर हमें 5 जो है वो मिलता है, दैट मीन्स के ग्रेटर देन 40% इंक्रीज आएगा कॉस्ट में, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है. लेकिन अगर 1 आता है तो दैट मींस कि इनसिग्निफिकेंट या निग्लिजिबल कॉस्ट इंक्रीज आएगा, तो इन दैट केस फिर हम उस रिस्क को कंसिडर नहीं कर सकते.
और ना ही हम कंसिडर करते हैं, उस पे हम अपना टाइम यूजुअली जाया नहीं करते, क्योंकि इससे हमारे प्रोजेक्ट के कॉस्ट पे या टाइम पे या स्कोप क्वालिटी वगैरह पे ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता। तो जिसका ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है वो ज्यादा क्रिटिकल होते हैं और उसको हम कंसिडर करते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या तो इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, या जो उसकी इम्पैक्ट है या जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसको हम कम से कम करना चाहते हैं। ये एक और टूल आप कह सकते हैं, रिस्क असेसमेंट टूल। इस रिस्क असेसमेंट टू सॉरी रिस्क असेसमेंट फॉर्म, ये एक फॉर्म टाइप है और इसमें हम रिस्क जो इवेंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक विंडो विस्टा की जो से रिलेटेड एक फॉर्म इन्होंने बनाया है, रिस्क से रिलेटेड, रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड, और उनके फॉर एग्जांपल रिस्क इवेंट्स जो है वो है इंटरफेस प्रॉब्लम्स, द सेकंड वन इज सिस्टम फ्रीजिंग, user backlash and hardware malfunctioning. अब इसकी likelihood frequency को इन्होंने present किया है कि कितने likelihood जो है, कितना frequently ये problems आ सकते हैं, या कितनी frequently हम ये risk जो है, each risk जो है ये like interface problem, system freezing, user backlash, hardware malfunctioning, ये कितनी फ्रीक्वेंटली हम फेस कर सकते हैं, तो ये लाइकलीहुड शो करता है। और इसके लिए भी एक जो 5-point स्केल जो है वो इन्होंने रखा हुआ है, इम्पैक्ट के बेस पे भी इन्होंने 5-point स्केल रखा हुआ है कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा, डिटेक्शन डिफिकल्टी कि कितनी इजीली ये हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कि इन चारों प्रॉब्लम्स को हम कितनी इजीली या डिटेक्ट या कितनी डिफिकल्टी के साथ जो है, मुश्किलात के साथ जो है हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड व्हेन कन्वर्जन और स्टार्टअप और पोस्ट इंस्टॉलेशन वगैरह। अब ये जो 5 से लेकर 5 तक जो स्केल है, इनकी मतलब अलग अलग मतलब है। 5 का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा नहीं है। 1 का मतलब यहाँ पे होगा कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इसी तरह यहाँ अगर आप देखें तो 1 शो कर रहा है कि ज्यादा मोर फ्रीक्वेंटली वी कैन फेस द हार्डवेयर मेलफंक्शनिंग प्रॉब्लम और रिस्क, but 4 represent you know a very less frequent occurrence of the user backlash problem. To ye jo scale hai ye hum apne taur pe isko hum set kar sakte hain. Ek technique hai jo ki humne discuss kiya, failover mode and effect analysis, FMEA isko kaha jata hai, aur ye FMEA jo hai isse hum risk values find karte hain. इसमें रिस्क वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्क मल्टीप्लाई विद द डिटेक्शन डिफिकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्क, और इनकी जो वैल्यूज हैं उनको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो जो प्रॉब्लम है या रिस्क है उसका इम्पैक्ट भी 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 है और उसकी डिटेक्शन भी 1 है, तो 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू 1, सो इट्स रिस्क वैल्यू विल ऑलवेज आल्सो बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसलिए जो है इसी तरह अगर एक एक रिस्क इवेंट है और उसका इम्पैक्ट 5 है, प्रोबेबिलिटी 4 है और डिटेक्शन